भाई 3 कट हम लोग को ये पिला रहा है चाय। होटल वाले को भाई कट कितने का, मैंने बोला, उसने बोला कि 30 रुपये का। ये बोला और सस्ते वाले कट बोले। एक टेयर पे भी रश का चलाते, 2 टेयर पे भी चलाते, 3 टेयर, मतलब हेवी ड्राइवर। अच्छा मैं भी आपका रिक्शा चलाऊंगा, आप चलाने दोगे? फर्स्ट टाइम रिक्शा चला रहा हूँ भाई। ये हमारे वजीर भाई रिक्शा चला रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वजीर अहमद और आज हमें रिक्शे में वो भी किसके, जावेद भाई के। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जावेद भाई को एक सवारी मिली थी तो हम भी जावेद भाई के साथ आ गए और वो सवारी छोड़ के अभी मुशरफ कॉलोनी से वापसी जा रहे हैं। तो हम इसको कह रहे हैं कि भैया मैं चाय पिलाऊँ, या चाय नहीं पिला रहा हमें, ठीक है ना। अभी होटल में पहुंच गए, इसकी हम गर्दन काटते हैं। ये बोर है पंजाब के चाची 50 रुपये इसको आज फटीक लगी है, इसने किराया कम बताया और बोल रहा है कि यार मैंने 350 बोला, ये 300 दे रहा है। बोले भाई तूने बोला ही 300 था। अभी होटल में हमें लेके आया, चाय पिलाता है, अभी वहीं पर ही बात करते हैं बकाया। भाई 3 कट हम लोग को ये पिला रहा है चाय के जावेद भाई, और वो भी क्या बोलता है कि होटल वाले को भाई कट कितने का, मैंने बोला, उसने बोला कि 30 रुपये का। ये बोला और सस्ते वाले कट बोले। 3 कट पिला रहा। मुँह साफ करो भाई, पूरा मिट्टी है आपका मुँह। तो बोला ना साहब, आप कितने टाइम से रिक्शा चला रहे हैं? तो कम से कम 2017 से लेके आज तक हम रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, तो कल 4 टेयर पे भी रिक्शा चलाते, 2 टेयर पे भी चलाते, 3 टेयर, मतलब हेवी ड्राइवर साबिर, हेवी ड्राइवर है। अच्छा अच्छा मैं भी आपका रिक्शा चलाऊँगा, आप चलाने दोगे? आप रक्षी का और मोबाइल का सौदा कर रहे थे, क्या बोलते हो? यार मैं तो मेरे मोबाइल दो। हाँ, और ऊपर क्या करना पड़ेगा? तो कोच देना पड़ेगा। क्या कोच? ऊपर कोच दूँ और आपको अपना मोबाइल दो, आप रक्षा दोगे? हाँ, फिर इसकी कीमत आप ऐसे करो ना, मैं मेरा पूरा प्लाट है, ठीक है, आप पूरा घर आप ले जाओ, मेरे को रक्षा दे दो। अरे हद होती है यार। ये इसका रक्षा खड़ा है भाई, देख लो। और इस रिक्शे में हम लोग आए हैं, साबिर भी हमारे साथ है। सुबह सवेरे होटल में हम बैठे थे अपने चाचू के, और वहीं पर ही ये आ रहा था, वहीं से ये आ रहा था। तो इसने हमें भी पकड़ लिया कि चलो भाई मेरे साथ, तो हम उसके साथ गए वहाँ पे। हम लोग वापसी पैदल आने वाले थे जावेद बेरिया तक, तो ये हमें वहाँ तक लेके गया डायरेक्ट, पहली सवारी। किस्मत वाले हम लोग भाई, आधे पैसे हमारे हैं। हाँ साबिर क्या बोलते हो? पहली सवारी लगी तो आधे पैसे हमारे हैं ना। हम लोग आए डायरेक्ट। नहीं भाई ये तो गलत है ना यार, भाई हम तो आधे पैसे लेंगे, सीधी सी बात है। आधे पैसे आप दोगे और आपका रिक्शा भी चलाएंगे, और मोबाइल मैं आपको दूंगा, आप रिक्शा मुझे दे दोगे। भाई मैं रिक्शा चलाऊँ, याद है आप मेरी ड्राइविंग चेक करना। ये मैं हिसाब लूँगा इससे। फर्स्ट टाइम रिक्शा चला रहा हूँ भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अल्लाह मालिक है। ये हमारे वजीर भाई रिक्शा चला रहे, वो भी पहली मरतबा। जावेद भाई कह रहा है कि रोड से ख्याल कर रहा। अरे वजीर भाई गर्दन तो सही करो। भाई मेरी चलानी ऐसी है। दोस्तों देख लो, आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मैं हेवी ड्राइवर बन गया। हाँ मुबारक मुबारक। और जावेद भाई ने हमें चाय भी पिलाई और पान भी खिलाया मुझे। साबिर को पान नहीं खिलाया, गलत है, मैं खाता नहीं हूँ। अच्छा आप नहीं खाते? हाँ मैं खाता नहीं हूँ। मैं भी ड्राइवर, जावेद भाई मैं भी ड्राइवर हूँ या नहीं? हाँ भाई जिस चीज़ को रखे भाई जन्मे मास्टर से रब्ता करें, जावेद भाई से रब्ता करें, अपना नंबर बता दो। वजीर भाई क्या कर रहे हो? गधे को बेचारे को मारने वाले थे आप। ये लो नजर लग गई। फोन आया है। तो भाई यही था हमारा रिक्शे का एक्सपीरियंस। और जावेद भाई ने मुझे रिक्शा चलाने दिया, मुझे पान खिलाया, मुझे चाय पिलाई, मुशर्रफ कॉलोनी घुमाया। जावेद भाई हम आपके शुक्रगुजार हैं, मेहरबानी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी भी पान खा रहा हूँ मीठा भाई। तो भाई बहुत हम दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।